मेरा 140 तक का बजट था, वो 170 तक चला जाएगा। तो गाड़ी की शॉपिंग में आ गई है एक छोटी सी प्रॉब्लम। एक्चुअली छोटी सी नहीं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी से मेरे कंधों पे प्रेशर आ रहा है। अपने को आदत नहीं है ना ऐसी गाड़ी चलाने की। ये तो भाई पीछे बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेरे को, इधर जाओ उधर जाओ। अरे मेरे पैर जान लेगा कि ईवी की मजा आया भाई, ये चला के मजा आया। तो ठकुराइन जी, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। तो यहाँ पे अभी हुआ है फ्लैग होस्टिंग। अभी हमारे को बालकनी व्यू मिल जाता है हमेशा। तो अपना वही प्रोग्राम, चाय और न्यूज, हर सुबह का वही प्रोग्राम। और ये देख, व्लॉग करो दे रे, ये व्लॉग करने दे। तो पहले हमारे काजू महाराज यहाँ बैठते थे, फिर नीचे तो बैठते ही नहीं है, फिर यहाँ बैठते थे। आजकल नई जगह ढूंढ के निकाली है, ये देखो यहाँ पे। ए हीरो, सोलह का स्वागत आप सबका अपने चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। और आ गए, अभी सो रहा था जैसे ही कैमरा हाथ में पकड़ा, पता नहीं इसको कैमरा देख के क्या हो जाता है। ऑलराइट, सो गाड़ियों की टेस्ट राइड की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आज मैं जा रहा हूँ टेस्ट राइड लेने, एक दो बाइक्स की देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। पता नहीं कितनी बाइक्स की टेस्ट राइड मिलेगी, बट टीवीएस के शोरूम में जा रहा हूँ। टीवीएस राइडर जो है वो काफ़ी अच्छे है। तो 125 सीसी में हमने दो बाइक शॉर्टलिस्ट किया था, एक शाइन और एक टीवीएस राइडर। तो शाइन मैंने मोस्टली ड्रॉप कर दी है बिकॉज थोड़ी आउटडेटेड डिज़ाइन लगती है उसकी। टीवीएस राइडर इज़ वेरी न्यू एंड उसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उसका टेस्ट राइड देखता हूँ। सेकेंडली, अपाचे का मैंने टेस्ट राइड लेके रखा था लास्ट ईयर, मैंने उसका WFR किया था। तो 160 का भी किया है, 204V दोनों का किया है। तो वो गाड़ी मुझे चलाने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत अच्छी बाइक्स है। 150 सीसी में दो बाइक्स है, एक है एक्सट्रीम 160R और एक है यामाहा FZ नहीं तो MT-15, मतलब दोनों काइंड ऑफ सेम ही है। और फिर 200 सीसी में दो बाइक्स है, एक है एक्सपल्स, एक है अपाचे RTR 204V। इतना भी टेस्ट राइड पॉसिबल है, आज लेते हैं। वेदर भी सही है और मूड भी सही है, चलो। फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। मुझे डर लग रहा था कि भाई पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम था, ड्राई ना हो जाए। बस बस, ये गाड़ी का सर्विसिंग करने के बाद भी ये सेल्फ लेती नहीं है, इसकी बैटरी गई है यार। किक मारने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता, एक किक में तो चालू भी नहीं होती है। चलो फुल टैंक। मतलब सिग्नल के पास पहुँचता हूँ तभी लाल हो जाता है, हमेशा कही है। अरे भाई साहब, कुछ तो लिहाज रखिए, दिन दहाड़े और दोपहर का वक्त है 4, थोड़ी हल्की हल्की नींद आ रही, ऊपर से सूर्य दादा कड़क मुँह पे। थोड़ी अभी गर्मी लग रहा है कि शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। वैसे तो फिलहाल बढ़िया सा वेदर है, काफ़ी सालों बाद मुंबई में ऐसा वेदर देखा है। ये हेलमेट पे मैंने ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर कर लिए, फिर भी हेलमेट हल्का हल्का टाइट ही है। एक नंबर बड़ा लेता फिर भी चल जाता है यार, इतना लंबा ब्रेकिंग कैसा हो सकता है। और ये गोप्रो की कोई भी गारंटी नहीं है। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, बकबक करता हूँ, लेकिन कभी कभी माइक जो है वो काम नहीं करता, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम करता है, लेकिन 1 in 10 वो नहीं करता, तो रैंडम है। तो आई होप अभी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब कितना भी महंगा गोप्रो लो साला, वही सीन है। लास्ट टाइम मैंने अपाचे का यहीं से टेस्ट राइड लिया था, तो आई होप अभी राइडर का मिल जाए। बढ़िया 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 बढ़िया, ओ माई गॉड, व्हाट अ कलर यार, ब्यूटीफुल। चलो अंदर जाते हैं। मस्त गाड़ी है यार ये तो, वाह। और सामने से भी काफ़ी अच्छी लगती है, लगता नहीं है कि 125 सीसी है। सीरियसली बढ़िया फिट एंड फिनिश है यार। तो गाड़ी की शॉपिंग में आ गई है एक छोटी सी प्रॉब्लम। एक्चुअली छोटी सी नहीं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो गाड़ी है टीवीएस राइडर, दिस इज 3 months वेटिंग। यहाँ पे तो टेस्टेड व्हीकल भी नहीं है भाई। एक दो जगह पे पूछा मैंने तो वहाँ पे भी वेटिंग ही है, तो अपने को तो इतना रुक नहीं सकते अपन। चल टेस्टेड मिल भी गई, फिर भी क्या ही उखाड़ लूँगा, गाड़ी तो वेटिंग ही है 3 महीना। उसको मैं बोला भाई मिनिमम कितना है, मिनिमम चाहे तो 2000 ज़्यादा ले, लेकिन मिनिमम। लेकिन नहीं सर, मिनिमम इस 3 months 6 महीना भी लगता है। कंपनी पगला गई है क्या, मतलब 6 महीना 7 महीना वेटिंग। एनीवेज अभी क्या करें, टेस्टेड में एक गाड़ी तो हमारी नॉकआउट हो चुकी है। यहाँ पे एक सुजुकी का शोरूम है, वैसे गिक्सर है लेकिन क्या करूँ, गिक्सर कंसिडर करूँ। वैसे भी एक कंटेंडर हमारा नॉकआउट हो चुका है, तो पूछ लूँ क्या। गाड़ी यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ जो कॉन्फिडेंस से मैंने बोला, लेकिन यहाँ पे तो भाई निकल रहे, हाँ निकल रहे हैं, बढ़िया। चलो गिक्सर SF150, ओके। ये बहुत झुका हुआ है यार, ये तो नॉर्मल वाला है ही नहीं बिल्कुल। नहीं सर नहीं, वो वहाँ पे एक है, वो भी नहीं है, तो सर कस्टमर का है। ओके बढ़िया।
मिरर्स कर देते हैं बाहर, तो बोल रहा है SF चलाओ, सेम ही इंजन है लेकिन सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी अग्रेसिव, अभी से मेरे कंधों पे प्रेशर आ रहा है। अपने को आदत नहीं है ना ऐसी गाड़ी चलाने की। 150 cc स्मूथ है डेफिनेटली। अरे भाई यहाँ पे बजाज भी है, बजाज भी देखेंगे हम। ये मिरर तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है भाई कितना दूर है ये। ऑलराइट, सो दिस इज गिक्सर SF। सरप्राइजिंगली जो मैंने इसको कॉस्ट पूछी वो बोल रहा है कि 1,64,000 की ये है ऑन रोड, नॉर्मल वाला 160,000। क्या बात है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अपने जो टॉप महंगी वाली 200 cc की बाइक थी तो उससे भी महंगी है, पता नहीं फॉर सम रीज़न इतनी महंगी क्यों है। ओके, टिपिकल 150 cc है बॉस। ब्रेक भी अच्छा है, डिसेंट है, बट ये पूरा मेरे कंधों पे प्रेशर आ रहा है, तो भाई ये तो अपनी चॉइस नहीं है। लेकिन इंजन जो है वो नॉर्मल गिक्सर जैसा है, तो काइंड ऑफ फीलिंग तो वही है। टर्निंग रेडियस भी अच्छा ही है वैसे तो, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। दिखने में तो काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक वाला ही लुक है, लेकिन फॉर सम रीज़न थोड़ी अजीब लगती है यार, मज़ा नहीं आ रहा है देख के। कॉम्पैक्ट तो है, बाइक इज़ कॉम्पैक्ट, वैसे पीछे से भी अच्छी है, पीछे से इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। सिटी में ऐसी बाइक कैसे ले सकते हैं लोग यार, मुझे तो जमता ही नहीं है ये। मतलब लेने वाले लेते हैं लेकिन आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। इसका सस्पेंशन हार्ड है, डेफिनेटली हार्ड तो है। ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं यार, वाओ ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं भाई साहब। इस पे तो मुझे लग रहा है मैं एक घंटे के ऊपर बैठना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मुझे ऐसा ही लग रहा है। वैसे इसका गियर रेशो काफ़ी डिसेंट है, देखो अभी फोर्थ गियर पे मैं 15 के स्पीड पे गाड़ी को पकड़ रहा हूँ, वेरी नाइस। फिफ्थ गियर पे मैं 19-20 की स्पीड पे पकड़ रहा हूँ, सही है यार। वैसे एक बात मुझे चेक करनी थी कि इसमें ABS क्या है, अभी ये गाड़ी के बारे में मैं प्रिपेयर्ड था नहीं। सामने ABS है, पीछे नहीं है, ओके सिंगल चैनल ABS। उस हिसाब से प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं होगी यार, लेकिन जो मज़ा है वो नहीं आ रहा मुझे। टिपिकल 150 cc वाली पावर है, ऐसे कोई बहुत अलग नहीं है, मतलब ओके दिस इज़ ओके। मज़ा मुझे पर्सनली नहीं आया, बाइक बहुत अच्छी है, मेरा पर्सनल चॉइस है, तो ऐसा कुछ दिल पे मत लगाना। क्या नाम है सर चैनल का? वंडर सेन। ऑलराइट, हम लोग अभी चलाएंगे F250 फ्रॉम बजाज। ये अंकल हमारे पीछे बैठेंगे, ये बैग आप ले लो। बढ़िया यार, यांना बसून मला कसा कळेल, अलाउड नाही, ये तो अजीब पॉलिसी है। ठीक है चलो, अच्छी है यार ये तो, काफ़ी स्मूथ है, नाइस। मेरे पैर पे एकदम आराम से नीचे बैठे हुए हैं, इंजन डेफिनेटली फील्स पंची। नाउ दिस इज 1,62,000 ऑन रोड, और सुजुकी 150 cc की ये रेट में मिल रही थी, बढ़िया यार। वाओ, चलो शॉर्ट गियरिंग देखते हैं इसका। फिफ्थ गियर पे 3000 RPM स्पीड नहीं दिखा रहा है, लेकिन आई कैन फील इट इज 20-25 degree। थर्ड डिग्री क्या बोल रहा हूँ, किलोमीटर्स। कहाँ जाना है? यू टर्न। ये तो भाई पीछे बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेरे को, इधर जाओ उधर जाओ। है तो अच्छी, अभी ये हमारे लल्लू पीछे नहीं बैठे होते तो एक्चुअल फील ले पाता, लेकिन गाड़ी अच्छी है यार डेफिनेटली। और नॉर्मल वाला जो वर्जन है N250, दैट इज आई थिंक 2-3 हज़ार सस्ता इससे। उठे वापस, 5 मिनट का भी टेस्ट राइड नहीं लिया पीछे बैठ के, क्या बोलने का इसको, अलाउड नहीं बोल रहे हैं। पहले पूरी दुनिया टेस्ट राइड अलाउ करती है यार, बट सरप्राइजिंगली पीछे बैठा हुआ है तो फील नहीं हो रहा इतना वेट, बढ़िया है, मज़ा आया भाई ये चला के, मज़ा आया। तो ये बंदा बोल रहा है कि सिंगल चैनल ABS है, लेकिन पीछे भी ABS यूनिट है, आगे भी है, तो आई एम नॉट श्योर सिंगल कैसा हुआ। सामने का डिस्क भी काफ़ी बड़ा है, ड्रीम साइज इज अराउंड 17 इंच, मोटा है, ज़्यादा मोटा नहीं है, पीछे से भी काफ़ी अच्छी है, और इसका कंसोल जो है वो भी अच्छा है। हाँ हाँ, अच्छी गाड़ी है, आई थिंक आई शुड कंसिडर दिस बाइक। चलो ये रही फैड वर्जन, ये देखो यहाँ पे है इसका नेकेड वर्जन, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3000 का ही फ़र्क है। सिटिंग पोस्चर भी काइंड ऑफ सेम ही लग रहा है, अभी इसका टेस्टेड अवेलेबल है नहीं। वैसे आई थिंक दिस इज़ ऑयल कूल्ड, यस। पल्सर 220 की याद दिलाती है काफ़ी हद तक, बट ये अच्छी लगी मुझे, नेकेड वाली ज़्यादा अच्छी लगी, थोड़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, और जो बर्तन है ना आगे वो नहीं है। चलो अच्छा, आई कंसिडर दिस बाइक, डायरेक्टली अवेलेबल है, कोई वेटिंग शेटिंग कुछ भी नहीं है, 1,60,000 के आसपास। इसका प्राइस क्या बताया था? 168, अच्छा, 168, और इसका
इसका आई थिंक 170 के आसपास है। काफ़ी लोग बोल रहे थे डोमिनर 4, डोमिनर तो चलो अपने लीग ये अपने बजट में ही नहीं आती, लेकिन ये वाली डोमिनर 250, बट पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा। अपने को इतनी तामझाम नहीं चाहिए, अपने को बेसिक गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। वड़ा पाव कुठे मिळतो आता? चलो ठीक आहे, क्या खावा नक्की, नाही तर ते प्यायला नका देऊ कोणाला। पल्सर N250 पण वो बजेट थोडा ज्यादा ही जा रहा है, मतलब मेरा 140 तक का बजेट था वो 170 तक चला जाएगा, तो अभी देखना पड़ेगा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अभी बची है हीरो की बाइक्स और यामाहा की बाइक्स, पर क्या ही करूँ, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक लेके क्या ही करूँ। अपने पास तेंदुआ है कई लाम लंबा जाने के लिए, तो तेंदुआ एनीवेज है। चलो खैर, अभी हीरो और यामाहा का देखते हैं कल, फिलहाल के लिए तो ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं तो घर पर जाना पड़ेगा। अरे मेरे पैर जान लेगा कि ईवी की, भाई साहब ये तो अलग ही ईवी है, ये लोड कैरिंग वाली ईवी है ये, बढ़िया यार। ईवी से ज़्यादा कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ईवी लो, तो ईवी का प्लान हमने ड्रॉप इसीलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक्टिवा तो अपने पास है। ईवी अगर ले रहे तो स्कूटर लेना ज़्यादा लॉजिकल है, ईवी बाइक लेना ज़्यादा लॉजिकल एज ऑफ नाउ है नहीं। अभी रिवोल्ट एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो मोटरसाइकिल है, और अभी एक कल परसों कुछ टॉर्क नाम से कोई कंपनी से लॉन्च हुई है पुणे बेस्ड। तो प्रॉब्लम ये है सर जी कि ईवी लेना है तो स्कूटर लेना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं मार्केट में, और सिटी में चलाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा होती है। अभी कभी काम पड़े, मुझे पूना वूना जाना पड़ता है ऑफिस के काम से या किसी और काम से, तो कभी काम पड़े अगर मोटरसाइकिल लेके जाने का सस्ते में बढ़िया एकदम फास्ट, तो फिर वो भी एक ऑप्शन रहता है ना। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग का लफड़ा है, हम लोग रहते हैं फ्लैट में, रेंटेड फ्लैट में, अभी नीचे चार्जिंग का तो कुछ झोल है नहीं, बैटरी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ नहीं है अपना कि हम लोग ईवीज पे डिपेंड रहे, इसीलिए ईवी का प्लान फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया है। जब ये गाड़ी हम लोग चेंज करेंगे तब हम लोग सोचेंगे ईवी स्कूटर के बारे में, और यही रीज़न से मैं एक्चुअली 100cc नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर लंबा जाने का काम पड़े 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो पड़ेगा ही पड़ेगा, कभी ना कभी पड़ेगा ही, तो उसके लिए वो 100cc नहीं चाहिए। उसके एटलीस्ट 125cc या 150cc या 200cc मैक्सिमम तक गाड़ी हो तो अपना काम पटापट हो जाएगा। चलो खैर, दिन का कंटिन्यूएशन करते हैं और घर जाते हैं, जल्दी लेना पड़ेगा डिसीजन, पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स वेटिंग है, कभी ये खुलती है कभी ये खुलती है। हाँ जी, तो ऐसा कुछ हुआ है आज हमारे साथ, जो बाइक की टेस्टेड चाहिए थी वो मिली नहीं, और जो मैंने सोची नहीं थी उसका मैंने टेस्टेड ले लिया और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। हाँ, देखते हैं, ये देखो अभी दरवाज़ा बंद करेगा वो। Yeah, good boy. काजू रोक, उसको नीचे जाना है, एक्चुअली इसीलिए इतना तामझाम शुरू है। रुक जा भाई, 5 मिनट रुक जा। ऑलराइट, सो अभी एडिटिंग खत्म कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी जितनी बाइक्स टेस्टेड की है, जितनी बची है उतनी मैं सोच रहा हूँ कि आज एटलीस्ट इसमें से मैक्सिमम कर दूँ, तो अभी 3 बजे वीडियो पब्लिश करके जाऊँगा और वो बाइक्स की टेस्टेड लूँगा और फिर फाइनल डिसीजन बाय 2-3 दिन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, डू हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगे तो, एंड सब्सक्राइब जरूर करना है यार, प्लीज सब्सक्राइब करने से बहुत फर्क पड़ता है। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, मिलता हूँ।